ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। रायपुर, कांकेर और सूरजपुर स्थित जिला अस्पतालों को 2 वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मान्यता मिली। प्रदेश की 6,000 से अधिक प्राथमिक शालाओं में आगामी सत्र से बालवाड़ी का संचालन किया जाएगा। और अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने और ओले गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। मुआवजे में 8 गुना वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में अब मुआवजा 50,000 रुपए मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 नाम दिया गया है। ये योजना इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली ने रायपुर, कांकेर और सूरजपुर स्थित जिला अस्पतालों को 2 वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी है। इन सभी अस्पतालों को 5-5 वर्ष के लिए इस कोर्स की अनुमति दी गई है। रायपुर जिला अस्पताल को इस वर्ष जनवरी से दिसंबर 2026 तक के लिए डीएनबी के कुल 6 सीटों की मान्यता मिली है। इनमें शिशु रोग के 3, प्रसूति और स्त्री रोग के 2 और फैमिली मेडिसिन की 1 सीट शामिल है। इसी तरह कांकेर जिला अस्पताल को भी दिसंबर 2026 तक के लिए नेत्र रोग में 1 सीट के लिए मान्यता दी गई है। वहीं सूरजपुर जिला अस्पताल को जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक स्त्री और प्रसूति रोग में 1 सीट के लिए मान्यता प्रदान की गई है। गौरतलब है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को पूर्व में ही ईएनटी और पीडियाट्रिक्स में 2-2 सीटों के लिए डीएनबी की मान्यता प्रदान कर दी गई है। प्रदेश की 6,000 से अधिक प्राथमिक शालाओं में आगामी सत्र से बालवाड़ी का संचालन किया जाएगा। इसमें 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला ने जिला कलेक्टरों को बालवाड़ी की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टरों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया में कहा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसलिए इस उम्र के बच्चों को खेल खेल में सीखने सिखाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने मानवता की गंभीर समस्या के समाधान और लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारतीयों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें दिखाई पड़ती हैं, इसे दूर करने के लिए परिष्कृत सोच उत्पन्न करना जरूरी है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देश बंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा।
कल महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर देशभर के महादेव मंदिरों और शिवालयों में रूद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं माघी पूर्णिमा से शुरू हुए राजिम माघी पुन्नी मेले का भी कल समापन होगा। माघी पुन्नी मेले के अंतिम दिन कल सुबह से ही विभिन्न अखाड़ों और मठों से आमंत्रित साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा पुण्य स्नान किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उधर जगदलपुर में कल से 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव शुरू होगा। इसका शुभारंभ सांसद दीपक बैज करेंगे। इस दौरान कल बस्तरिया परिधानों पर आधारित फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में 7 मार्च से 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन के लिए जगतगुरु गुरु गद्दी नशीन विजय कुमार गुरु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। श्री विजय गुरु ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मेले में आने वाले दर्शनार्थियों से कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले स्थल पर पेयजल, शौचालय और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल रायपुर में मध्य भारत के प्रतिष्ठित गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें अवसर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ द्वारा पिछले वर्ष से गोंडवाना कप ITF वुमेन्स टेनिस स्पर्धा की शुरूआत की गई है। इससे बालिकाओं की खेल प्रतिभा सामने आएगी। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि रायपुर नगर निगम द्वारा स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण शिविर निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। 67वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के पुरुष और महिला टीम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता 2 से 6 मार्च तक कर्नाटक के मूडबिद्री मंगलुरू में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन संघ के महासचिव वाई राजा राव ने बताया कि महिला वर्ग की टीम ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष इसरार अहमद खान ने टीम के खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर कन्वेक्टिव क्लाउड यानी संवहनी बादल बनने की आशंका है। इसके कारण मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के सभी जिलों और बिलासपुर संभाग के कोरबा, रायगढ़ तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि इन जिलों के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि स्वाधीनता के लिए छत्तीसगढ़ में जन जागरण के लिए बाबू साहेब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर और एड्स नियंत्रण समिति की ओर से HIV/AIDS और उसके अधिनियमों के बारे में जानकारी देने विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन रायपुर में किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के निपनिया भाटापारा सेक्शन के संपार फाटक, बलौदाबाजार फाटक और भाटापारा रोड अंडरब्रिज का लोकार्पण आज सांसद सुनील सोनी ने किया। रायपुर अधिवक्ता संघ के बैनर तले आज अधिवक्ताओं ने प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बेमित्रा जिले के अनुविभागीय कार्यालय साजा में पदस्थ एक कर्मचारी को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह जनपद सीईओ और अधिकारियों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 10 अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं। रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 8 किलो गांजा जब्त किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई योजना द्वारा रायपुर में छात्रों के लिए 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के 3रे दिन आज छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का कार्य किया, साथ ही नाटक मंचन की कला भी सीखी। रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने एटीएम चिप क्लोनिंग करके विभिन्न एटीएम बूथों से पैसा निकालने के आरोप में आज 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मेले में चाकूबाजी की घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये युवक खरौद नगर पंचायत का रहने वाला था। और कोरिया जिले के खड़गवां विकासखंड में इन दिनों 20 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग के अमले ने ग्रामीणों को हाथियों से दूरी बनाए रखने की समझाइश दी है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोगियों की पहचान और उनके इलाज की मॉनिटरिंग के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश के सभी जिलों में 2,20,20,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 2,110 लोगों में कुष्ठ रोग की पहचान हुई है। इन मरीजों के इलाज की निगरानी की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। रायपुर, कांकेर और सूरजपुर स्थित जिला अस्पतालों को 2 वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए मान्यता मिली। प्रदेश की 6,000 से अधिक प्राथमिक शालाओं में आगामी सत्र से बालवाड़ी का संचालन किया जाएगा। और अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने और ओले गिरने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।